मलेशिया से मैं सिंगापुर आ गया था। ये चेंग एयरपोर्ट है सिंगापुर का, इतना बेहतरीन है, सुंदर है, खूबसूरत है। यह एयर एशिया से मैं जा रहा हूँ, ये देखो। यहाँ से मैंने वाईफाई कनेक्ट किया है, ये देखो डांस कर रही है लड़की, है ना। चेंग एयरपोर्ट सिंगापुर का, चेंग एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है। मेरा टर्मिनल 4 है, मैं आप लोग को ये भी दिखाऊंगा कि कैसे हमारे बैग जो होते हैं, जो चेक इन वाले बैग होते हैं, कैसे वो फ्लाइट में जाते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मैं वो बैग रख दिया जाता है एक पे, और वो जैसे वो खींच करके लेके जाता है वो, जैसे अलग अलग फ्लाइट के, कैसे देखो जा रहे हैं अलग अलग फ्लाइट के, अलग अलग, और वापस भी आ रहे हैं। देखो एक वापस आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो है जो फ्लाइट आई होगी तो उसके बैग वापस आ रहे हैं, और ये जो जा रहे हैं अंदर वो इधर ही गेट होगा, उधर फ्लाइट स्टिकर लगे होते हैं, स्टिकर से पता चल जाता है कौन से फ्लाइट में जाना है। कैसे लोग बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वॉशरूम दिखाता हूँ, चलो। ये देखो ये सिक्योरिटी वाला, हाथ टच करो यहाँ पे। यहाँ से चेकिंग हो रही है, देखो वो लोग अंदर से आ रहे हैं, और ये जो डब्बे से लग रहे हैं इनमें हमारे बैग मोबाइल सब कुछ उसमें डाल दिया जाता है, चेक किया जाता है। वो सारा सिक्योरिटी वाला, कोई लाइन भीड़ नहीं है यहाँ पे। हमारे इंडिया के रुपये से 50 गुना, नहीं 50 गुना ज्यादा है, और पर मिलता है हमें 2-3-4 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है ब्रोकरेज उनके पैसे खरीदने के लिए। HDFC में जाओ तो पता है 55 रुपये, ये देखो $46 का है, $46 का मतलब समझो $50 है तो 25,000 रुपये का ये खरीद लो, ये $44 का है केवल, 2,000 रुपये का होगा ये। कितने सुंदर है ना ये, चलो और कुछ दिखाता हूँ। ये धोना इसे, चलो लास्ट डे है मेरा यहाँ पे सिंगापुर में, तो मैं एयरपोर्ट का सारा चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। G1 गेट, G1 की तरफ मेरे को बोला है जाने के लिए। मेरा देखो चेक इन हो गया, इमिग्रेशन हो गया, और सिक्योरिटी हो गया। अब मुझे जिधर हमारी जहाज जिधर आएगा एयर एशिया का, उधर ही मैं जाऊंगा। अब मुझे किधर बोला जाने के लिए, G5 G1 की तरफ जाना है हमें, यानी कि G5 इधर है, G4 यानी हमें G1 वहां जाना है। तो भैया यहाँ पे स्मोक करने वालों के लिए भी रूम बनाया, देखो ये स्मोकिंग रूम है, ये देखो स्मोक करना है तो इसके अंदर घुस जाओ, यहाँ आराम से स्मोक करो बैठ के।
देखो फाइनल बोर्डिंग, मैं जब मलेशिया से आ रहा था भाई बस, तो वहाँ इमिग्रेशन फॉर्म सब वैसे हुआ जैसे प्लेन में होता है। 2 घंटे हमें लगे सारा सिक्योरिटी चेक इमिग्रेशन सब देख लिए। 8:40 पर है, उसके बाद यहाँ से ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये काउंटर है एयर एशिया का। मेरा सारा काम हो गया है, बस केवल जहाज़ में बैठना है। सिंगापुर फेमस है वर्ल्ड में, ये डेवलप्ड कंट्री है एशिया का। ओके एयर एशिया। आप देखो मेरे टिकट में, ये देखो एफ डी 350, ये देखो एफ डी 350, ये देखो सिंगापुर टू बैंकॉक टाइम 8:40। ये मेरा सीट है, कैन यू कंफर्म दिस? बैंकॉक। लगभग 2 घंटे में मैं बैंकॉक पहुंच जाऊंगा। हर एयरपोर्ट पे वाईफाई मिलता है। अब जैसे देखो कुआलालंपुर में 24 घंटे वाईफाई था, सिंगापुर में 24 घंटे वाईफाई है, पर जो है ना इंडिया पता कितने देर वहाँ पे वाईफाई मिलता है, आज जो काम भी नहीं करता सही से, कितने जानते हो? आधा घंटा। नई एयर एशिया की एम्प्लॉई है, अभी भी आई है, तो इसके आते ही वो दूसरी गई, देख रहे हो? ये इंडिया की लगती है, पक्का इंडिया की लगती है। पूछूँ क्या? एक्सक्यूज मी, आर यू फ्रॉम इंडिया? नो, फ्रॉम वेयर? यू आर मलेशियन? ओके, अब बाकी की कहानी मैं बता देता हूँ अंदर की। अंदर की कहानी बताऊँ मैं आपको? मुझे लग रहा है ये साउथ इंडियन होगी, उसके बाद इसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी जो इसका पुराना खानदान रहा होगा वो इंडिया का होगा, वो आकर के फिर मलेशिया में आकर बस गई होगी। छत पे देखो, छत